तो मतलब क्या कहना चाहते हैं ये लोग, स्कोप है क्या हम जैसे लोगों के लिए? मेरा मतलब जिस हिसाब से एआई और रोबोटिक्स वगैरह एडवांस हो रहे हैं, मतलब कि 6-7 सालों में या माइट भी 10 सालों में ऐसे रोबोट्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या मतलब हम लोग सिंगल नहीं मरेंगे? I mean, अभी 25 का हूँ, 10 साल बाद 35 का हो जाऊंगा, लोग 35 से भी शादियां करते हैं, करते हैं राइट? तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, टाइटल लंबा है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा और कैची टाइटल पे वर्क हो सकता था। उससे बड़ी दिक्कत ये है कि ये ट्रेलर कल शाम में 7 या 8 बजे के अराउंड आया और पता भी नहीं चला, मतलब कि कोई नोटिफिकेशन नहीं या मेरे फीड में भी नहीं आया। तबीयत भी खराब थी तो मैं कल रात में जल्दी सो गया, फिर सुबह उठा तो मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पे इसके ट्रेलर का लिंक मुझे सेंड किया और फिर मैंने इस ट्रेलर को देखा, और देखने के बाद मेरा रिएक्शन था कि मतलब मजा आई भाई, कुछ मजेदार सा लग रहा है। बात करते हैं इसके ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए, स्टे ट्यून्ड। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिवॉल्व करती है शाहिद कपूर के कैरेक्टर के अराउंड, हु फॉल्स इन लव विद सिफ्रा, एंड सिफ्रा इज वे टू परफेक्ट एज अ ह्यूमन, जिसको ट्रेलर में मेंशन भी किया जाता है कि भाई सिफ्रा ढेर सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है, अलग अलग तरीके की डिशेस पका सकती है एक्सेट्रा। सो दे बोथ मीट, रोम अराउंड, फॉल इन लव, फिर कबड्डी भी खेलते हैं, एंड देन इट इज रिवील कि सिफ्रा एक्चुअली में एक रोबोट है जिसका फुल फॉर्म है सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन। तो इससे मेरा एक सवाल आता है कि मतलब जब कबड्डी खेल रहे थे ये दोनों तो करंट नहीं लगा, और रोबोट है ना तो मतलब टूटा वोटा नहीं एंट्री मारते हुए। एनीवे, ये जानने के बाद भी कि सिफ्रा एक रोबोट है, द गाय इज स्टिल इन लव विद हर, समझ सकते हैं भाई हम तेरी फीलिंग, समझ सकते हैं। इस कदर सिंगल हो चुके हैं कि भाई अब रोबोट ही एक आखिरी उम्मीद है हमारे लिए। एंड देन शाहिद कपूर डिसाइड्स कि वो शादी करेगा उससे, फिर वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, एंड ऑल ऑफ दिस लीड्स टू अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ कॉमेडी एंड इमोशंस। ऐसा एक सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म में देखा था जिसका नाम था हर, स्टारिंग वाकिन फीनिक्स, जहां कोई रोबोट तो नहीं होती बट एक एआई होती है समांथा नाम से, जिसके ऊपर वाकिन फीनिक्स फिदा हो जाता है। हॉलीवुड ही नहीं, ऐसा एक इंडियन सीरियल भी आया था सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम था बहू हमारी रजनीकांत, जहां शान नाम का एक साइंटिस्ट एक फीमेल एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाता है रजनी नाम से, एंड अपनी फैमिली से झूठ बोलता है कि ये उसकी वाइफ है। एंड तेरी बातों में उलझा जिया एक बहुत ही रिफ्रेशिंग टेक लगता है इसी कॉन्सेप्ट पर, एंड ऑनेस्टली इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरह का जो सिनेमा है, इसके लिए एक बहुत ही अलग जगह है मेरे दिल में। और मैं सिर्फ ये ह्यूमन और रोबोट्स के लव वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा, मतलब कि ऐसे ऑफ बीट हट के कॉन्सेप्ट्स। मास मसाला मूवीज तो आते रहती हैं, बट दीज काइंड ऑफ मूवीज हैव अ डिफरेंट वाइब टू इट ऑल टुगेदर। एक अलग रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस आता है इन फिल्म्स को देख के, फॉर एग्जांपल हनुमान, जो कि एक रिफ्रेशिंग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था, एंड अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट ये फिल्म होने वाली है। एंड अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए और फिल्म अपने एंटरटेनमेंट के पर्पस को पूरा कर रही है, तो मैं ऐसी फिल्म्स को होल हार्टेडली वेलकम करता हूं। एंड सिंस इसको मैडक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है, तो मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि तुम चाहे स्त्री देख लो या भेड़िया देख लो, मैडक हैज बीन कंसिस्टेंटली गुड विद दीज हटके टॉपिक्स, फिर चाहे वो कैरेक्टर प्रेजेंटेशन हो, ह्यूमर हो या फिर स्क्रीन प्ले हो। एंड आई एब्सोल्युटली लव द रनिंग गैग इन द ट्रेलर, जहां पे सिफ्रा के हैरान कर देने वाली हरकतों को ये कह के जस्टिफाई कर दिया जा रहा है कि भाई अमेरिका से है ना तो इसलिए, एंड वो दिल्ली में आग लगाने वाला जोक, जो एक सिग्नेचर स्मूथ और ऑर्गेनिक ह्यूमर है मैडक फिल्म्स का, वो इस ट्रेलर में झलक रहा है। एंड मैं काफी क्यूरियस हूं ये जानने के लिए कि ये इंसान और रोबोट की इस रोमांस को किस तरीके से डील करने वाली है ये फिल्म। कास्ट की बात करूं तो इट इज रियली गुड टू सी शाहिद कपूर बैक इन दीज काइंड ऑफ रोल्स, कृति सैनन एज सिफ्रा, मतलब भाई अपना दिल आज इधर है कल कहीं और, बट दिस वन ये लंबे समय तक रहने वाला है, बट शी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड शी ऑल्सो सूट्स इन द कैरेक्टर ऑफ सिफ्रा। एंड आई रियली अप्रिशिएट मैडक फिल्म्स कि वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करते रहते हैं डिस्पाइट देयर नॉट सो गुड बॉक्स ऑफिस नंबर्स। भेड़िया मूवी को ही देख लो, इट वॉज एवरेज ऑन द बॉक्स ऑफिस बट इट डिजर्व्ड सो मच मोर। एंड आई नो कि ऐसी फिल्म्स 1000 करोड़ नहीं कमा सकती, बट ये एवरेज होना भी डिजर्व नहीं करती। बाकी भाई ट्रेलर मुझे काफी मजेदार लगा और फिल्म कैसी होगी ये तो अभी वक्त बताएगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। रिलीज डेट है 9 फरवरी, तो मैं देखने जाने वाला हूँ भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर पे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो ऐसे और कॉन्टेंट के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ, वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।